अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को याकूत सिम को रिन्यू करने का तरीका बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने याकूत सिम को कैसे रिन्यू करेंगे। आप बहुत आसानी के साथ अपने याकूत सिम को 2 से 3 मिनट के अंदर में रिन्यू कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने याकूत सिम को रिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाकर दोस्तों ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने याकूत ऐप को ओपन कर लेंगे। याकूत ऐप ओपन होने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका पैकेज शो होगा, आप कौन सा पैकेज याकूत सिम का यूज़ कर रहे हैं, याकूत सिम का आप कौन सा पैकेज यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे शो होगा। तो मेरा दोस्तों पैकेज है 1X पैकेज, इसमें मिलता है 30 GB इंटरनेट, 300 मिनट लोकल कॉल SMS और 7 ऐप 7 ऐप अनलिमिटेड, 90 रियाल में 1X पैकेज मेरा है 1X पैकेज। तो आज के दिन में दोस्तों मेरा ये एक्सपायर हो रहा है, ये पैकेज मेरा याकूत सिम का आज के दिन में, यानी आज 17 तारीख है, एक्सपायर हो रहा है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है 0 डेज लेफ्ट, यानी आज खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो हमको रिन्यू करना है इस पैकेज को। तो दोस्तों रिन्यू करने के लिए आप यहाँ से रिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे रिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। वहां भी लिखा था 1X पैकेज सिम, यहाँ भी लिखा हुआ 1X पैकेज सिम। 1X पैकेज सिम का क्या प्राइस है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ये देखिए 90 रियाल। उसके बाद दोस्तों आपके याकूत ऐप में जिस भी बैंक का ATM कार्ड ऐड होगा उस बैंक के ATM कार्ड के लास्ट का 4 नंबर शो होगा, जैसे मेरा यहाँ पर शो हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपका ATM कार्ड ऐड नहीं याकूत ऐप में तो पहले आपको ATM कार्ड ऐड करना पड़ेगा याकूत ऐप में, फिर आपका रिन्यू होगा। तो मेरा ATM कार्ड पहले से ऐड है तो हमको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पहले से याकूत ऐप में ATM कार्ड ऐड है, जैसे मेरा यहाँ पर ऐड शो हो रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ आपको ATM कार्ड के पीछे का 3 नंबर को डाल देना है, जिसको बोलते हैं CVV नंबर, सिक्योरिटी नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों इंटर CVV का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे आप और आपको 3 नंबर जो ATM कार्ड के पीछे में, तो 3 नंबर जिसको CVV नंबर बोलते हैं, वो आपको सिंपली यहाँ डाल लेना है, जो भी आपका होगा। CVV नंबर डालने के बाद दोस्तों आप सिंपली यहाँ से चेकआउट पर क्लिक कर देंगे। नीचे में रेड कलर में जहाँ पे नंबर याल शो हो रहा है, यहाँ पे चेकआउट पे आप क्लिक कर देंगे। आपके याकूत ऐप में जिस भी बैंक का ATM कार्ड ऐड था, जिसका आपने CVV नंबर डाला है, उस बैंक में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक कोड जाएगा, OTP जाएगा, 6 नंबर का या 4 नंबर का दोस्तों, उसी कोड को आप यहाँ पे डाल लेंगे। कोड डालने के बाद दोस्तों आप यहां से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों यहां पे लिख किया गया योर पैकेज हैज बीन रिन्यू, आपका पैकेज रिन्यू हो गया, आपका पैकेज रिचार्ज हो गया। दोस्तों आप यहां से होम पेज पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों रिन्यू तो हो गया पर अभी यहां पे शो नहीं हो रहा है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, भाई मैं रिन्यू कर लिया हूं, मेरा शो नहीं हो रहा है, पहले वाला ही शो हो रहा है, पैसा कहाँ गया, पैसा कट गया मेरे खाते से। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपका रिन्यू हो गया है, मैसेज आपको आ गया है, आपका बैंक से पैसा कट गया है, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे दोस्तों इसलिए शो हो रहा है कि अभी इस पैकेज को खत्म होने में कुछ टाइम बाकी है, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, 5 घंटा हो, 10 घंटा हो, इसलिए आपका पहले वाला पैकेज यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे मेरा भी शो हो रहा है। तो आपको टेंशन लेना नहीं है, जब ये खत्म हो जाएगा पूरा अच्छे तरीके से, 2 घंटे में खत्म हो, 3 घंटे में खत्म हो, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका नया वाला शो होना शुरू हो जाएगा, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है।